छोड़ने वाले हैं। जनता ने सुना तो अपने आप बिना किसी के बोलने पे या किसी बात के सबके सब अपने आप उनके सहयोग के लिए आए हैं। और इतने सालों से उत्तर भारतीय समाज और बाकी जितना भी समाज है अप्पा का चिंदी दादा का साथ देते आया और देते रहे। हमारे हमारी सीट फिक्स है। हम लोग जीतने वाले 101%। एकदम आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास बोलो। तीनों में तीनों सीट हमारी है, लोग हम भाजपा सपोर्ट करेंगे। लोग बहुजन विकास आघाड़ी को वोट, बहुजन विकास आघाड़ी को वोट देते हैं क्योंकि बहुजन विकास आघाड़ी ने ही काम किया है वैसे तालुका में। बाकी सिर्फ बोलने वाले पोपट है, वो सिर्फ इधर उधर बोलते रहते हैं तोते की तरह, उनके पीछे लगते नहीं। काम सिर्फ बहुजन विकास आघाड़ी के सभी कार्यकर्ता और अपने माननीय लोकनेता हितेंद्र ठाकुर जी के माध्यम से ही होता है। वो जाना है, आपने देखा रहेगा अभी इलेक्शन के टाइम पे कि जिस तरह से अपने वसई तालुका की पानी की समस्या अपने अप्पा जी ने सॉल्व की है। अभी समझो मेट्रो बिट्रो का जो मेट्रो 6 मेट्रो 7 का जो प्रोजेक्ट वो जो सैंक्शन किया है, इसी लोगों को मालूम है कि अप्पा काम करते हैं और लोग अप्पा के साथ नहीं रहते। नायक सर क्या कहेंगे आज अप्पा अपना नामांकन भरने वाले और अप्पा के बाद में क्षितिज दादा अपना नामांकन भर रहे हैं, इस बार का मुकाबला कैसा रहेगा, क्या कहना चाहिए? देखो मुकाबला कोई नहीं रहेगा, किसी हर खड़ा रहने वाला कैंडिडेट नहीं सोचेगा इस टाइम बड़ा मुकाबला है। अप्पा को हमारे इस वसई का जनता ने हर वक्त साथ दिया है, आशीर्वाद दिया है और खास करके अप्पा को सभी धर्म प्राण भाषा वाले मानने वाले लोग हैं तो आपका को फिर एक बार सुनते थे। इस बार लड़त जो है वो चौरंगी हो गई, तिरंगी भी नहीं है, उसका कितना असर पड़ने वाला है चुनाव के ऊपर? अपोजिशन वाले तो कभी थोड़ा बहुत एक साथ मिलते थे तो उनमें वो डिवाइड हो जाएगा, आपका तो एक बार संख्या आएगी ज्यादा वोटों से। तीनों सीट वसई नाला सुपर और बोईसर पे क्या आंकड़ा है? तीनों सीट अपने तीनों के तीनों सिटिंग एमएलए है और तीनों फिर से चुनते आए। सर क्या कहेंगे आप, अपना नामांकन भरने वाले आप नामांकन के लिए रैली में आए हो शामिल होने, क्या कहना चाहेंगे? हमारा बस इतना बोलेंगे कि वसई तालुका के अंदर बहुजन विकास आघाड़ी पार्टी को अपन ने हितेंद्र ठाकुर ने बनाया है पार्टी, उसके अध्यक्ष हैं वो एमएलए का इलेक्शन ये बार आ रहा है, उसको वोट देने का दिल से ऐसा हमारा दिल से ऐसा बोलता है कि देना पड़ता है कि वसई गांव का सब धर्म मुस्लिम हो हिंदू हो गोरी हो ईसाई हो सरदारी लोग हो वो सबको एक पाला में मुड़ के रखा है और सबका फेस्टिवल बराबर होता है और शांति का माहौल बना है और बना के रखते हैं, कभी भी सबको मीटिंग लेते हैं और बोलते हैं एक दूसरे के साथ हो ऐसा विकास होएगा, तो वो आदमी को वोट वसई में होने के अलावा ऐसा कोई आदमी नहीं है कि एक माला में सब कास्ट को रो के रखेगा, तो ये बेस पे देना मांगता है वोट में शांति सुकून से देते हैं हम लोग और कोई प्रॉब्लम नहीं है वसई में, वसई तालुका में पूरा सबका सब काम होता है। सर क्या कहेंगे आज अप्पा अपना नामांकन पत्र भरने जा रहे हैं, बहुजन विकास आघाड़ी किस जगह पर है, किस पोजीशन पे है? अभी हम लोग कबूतर कबूतर खाना ना, हाँ कबूतर खाना के पास पहुँचे हम लोग, अभी हमारा रैली जा रहा है, हजारों संख्या में अप्पा के कार्यकर्ता सब उनके साथ में फॉर्म भरने को जा रही है। बहुजन विकास आघाड़ी किस पोजीशन पर है इस समय, क्या मानते हैं अपने आपको? तो एक नंबर पे मानते हैं ना, तो आपको भी मालूम है तीन सीट है, तीन सीट पे क्या परिणाम आए? तीनों सीट जीत के आएंगी एक नंबर पे, 50,000 वोट से जीतेंगे, मैक्सिमम वोट से आएंगे।
हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।